वेलकम बैक एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि माइंड में बैठ जाए। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर इन दिस फार्मूला? 1, 2, 3, 4। फोर टर्म्स। लुक, दिस इज ए क्यूब्ड एंड दिस इज बी क्यूब्ड, और दरमियान में हमें नजर आ रहे हैं 3ab। यहाँ पर a पर स्क्वायर लगा हुआ है जबकि यहाँ पर b पर स्क्वायर लगा हुआ है। सेकेंड स्टेप में a और b दोनों पिक किए गए हैं। क्योंकि दोनों पर क्यूब्स लगे हुए हैं इसलिए होल क्यूब लगा दिया गया है। अब इस फार्मूले को क्वेश्चन 1 में जो फार्मूला हमने यूज़ किया उससे कंपेयर कर लीजिए। आप देख सकते हैं तमाम कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और पावर्स सेम हैं, फर्क सिर्फ साइंस का है। इस फार्मूले में तमाम साइंस पॉजिटिव हैं जबकि इस फार्मूले में साइंस हैं डिफरेंट। लुक, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और सेकेंड स्टेप में साइन है माइनस की। याद रहे फैक्टराइज करते हुए हमने फॉलो करना है इस अरेंजमेंट को। साइंस पर फोकस कीजिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो अगर कोई सवाल हमें इस ऑर्डर में नहीं मिलता तो हमें रीअरेंज करना होगा, इस ऑर्डर में लाना ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजिंग पार्ट 1। लुक, दिस इज ए क्यूब्ड एंड दिस इज बी क्यूब। तो आइए फार्मूले को फॉलो करते हैं। ए क्यूब्ड माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। याद रहे दिस इज ए क्यूब एंड दिस इज बी क्यूब। सो डी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली डी, और 8 क्यूब है 2 का, और सी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली सी। नाउ वी हैव गॉट ए एंड बी। तो अब हम ए और बी को फिलअप करेंगे। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर ए और यहां पर बी रखना है। तो ए है हमारे पास डी और बी है हमारे पास 2c। ए है हमारे पास डी और बी है हमारे पास 2c। इट्स अ गेम ऑफ टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज डन, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए ए, दिस इज ए, माइनस बी, दिस इज बी, होल क्यूब्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 2, क्या तमाम टर्म्स करेक्ट ऑर्डर में हैं? साइंस का ऑर्डर ये होना चाहिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस। मान लीजिए कि ए क्यूब्ड और बी क्यूब्ड सही जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि एक्स टू द पावर 6 क्यूब है एक्स स्क्वायर का, 3 टू द 6। लाइकवाइज 64 क्यूब है 4 का, और 27 क्यूब है 3 का। आई होप यू आर गेटिंग मी। इट मीन्स ये दोनों अपनी प्लेसेस से हटे हुए हैं, इसे पहले होना चाहिए और इसे बाद में। तो आइए रिक्वायर्ड ऑर्डर में रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर। लुक, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो आइए अब हम करते हैं फॉलो फार्मूले को। ए क्यूब्ड माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। याद रहे दिस इज ए क्यूब्ड एंड दिस इज बी क्यूब्ड। तो x टू द पावर 6 क्यूब है एक्स स्क्वायर्ड का, 64 क्यूब है 4 का, और 27 क्यूब है 3 का। दिस इज ए एंड दिस इज बी। आइए फिलअप कर देते हैं।
यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर ए, यहां पर बी। तो ए है हमारे पास एक्स स्क्वेर्ड और बी है हमारे पास 4/3। ए इज एक्स स्क्वेर्ड एंड बी इज 4/3। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड एंड फाइनल स्टेप। ए माइनस बी होल क्यूब्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट थ्री, 125 क्यूब है 5 का, तो नजर आ ही रहा है कि ये हुआ हमारे पास ए क्यूब एंड दिस इज बी क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आइए स्टेप वन की तरफ चलते हैं। ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेर्ड बी प्लस 3 ए बी स्क्वेर्ड माइनस बी क्यूब्ड। एक्स क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली एक्स और 125 क्यूब है 5 का। वाई क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली वाई। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आइए ए और बी को फिलअप कर देते हैं। ए है हमारे पास एक्स अपॉन 5 और बी है हमारे पास वाई। ए है हमारे पास एक्स अपॉन 5 और बी है हमारे पास वाई। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप। ए माइनस बी होल क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट फोर, 125 क्यूब है 5 का, जी इज ऑलरेडी क्यूब्ड, तो ये है हमारे पास ए क्यूब। वाई टू द पावर 6 क्यूब है वाई स्क्वेयर का, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट टू। प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आइए चलते हैं स्टेप वन की तरफ। ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेर्ड बी प्लस 3 ए बी स्क्वेर्ड माइनस बी क्यूब। 125 क्यूब है 5 का, जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी। वाई टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है सिंपली वाई स्क्वेर्ड। आइए ए और बी को फिलअप करते हैं। ए है हमारे पास 5 जी और बी है हमारे पास वाई स्क्वेर्ड। ए है हमारे पास 5 जी और बी है हमारे पास वाई स्क्वेर्ड। नाउ स्टेप टू द फाइनल स्टेप। ए 5 जी है माइनस बी वाई स्क्वेर्ड है होल क्यूब्ड, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 5, दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्योंकि 216 क्यूब है 6 का प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आइए स्टेप वन की तरफ। ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेर्ड b प्लस 3 a b स्क्वेर्ड
माइनस बी क्यूब, जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी, 27 क्यूब है 3 का, 216 क्यूब है 6 का, और वाई क्यूब का रूट बनता है सिंपली वाई। दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए है हमारे पास जी अपॉन 3 और बी है हमारे पास 6 वाई। ए है हमारे पास जी 3 और बी है हमारे पास 6 वाई। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप, ए है हमारे पास जी अपॉन 3 माइनस बी है हमारे पास 6 वाई होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 6, दिस इज ए एंड दिस इज बी। स्टेप 1, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। बी टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है सिंपली बी स्क्वेयर, 27 क्यूब है 3 का। सी टू द पावर 6 का क्यूब रूट बनता है सी स्क्वेयर, 8 क्यूब है 2 का। दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए इज बी स्क्वेयर अपॉन 3 एंड बी इज 6 स्क्वेयर अपॉन 2। ए इज बी स्क्वेयर अपॉन 3 एंड बी इज सी स्क्वेयर अपॉन 2। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप, ए इज बी स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस एंड बी इज सी स्क्वेयर अपॉन 2 होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 7, दिस इज ए एंड दिस इज बी। लुक, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन ये दोनों आगे पीछे हुए हुए हैं। तो आइए पहले हम कर लेते हैं इन टर्म्स को रीअरेंज इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर, अब सब सेट है। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप। स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। 216 क्यूब है 6 का, जी क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली जी, 8 क्यूब है 2 का। दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास जी अपॉन 2। ए है हमारे पास 6 और बी है हमारे पास जी अपॉन 2। नाउ द सेकेंड एंड द फाइनल स्टेप, ए माइनस बी होल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ पार्ट 8, द लास्ट पार्ट। लुक, दिस इज ए क्यूब एंड दिस इज बी क्यूब, सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेप। स्ट्रक्चर बना लेते हैं फॉलोइंग द फार्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चर, 8 क्यूब है 2 का और 27 क्यूब है 3 का। एक्स क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली एक्स, 27 क्यूब है 3 का और 8 क्यूब है 2 का। वाई क्यूब का क्यूब रूट बनता है सिंपली वाई। ए है हमारे पास 2 अपॉन 3 एक्स और बी है हमारे पास 3 अपॉन 2 वाई। ए है हमारे पास 2 अपॉन 3 एक्स और बी है हमारे पास
थ्री अपॉन टू वाई। नाउ द सेकेंड एंड द लास्ट स्टेप, ए माइनस बी होल क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर टू इन द एक्सरसाइज 4.4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।